Hello everyone, my name is Shelja Chhabra and I'm your EVS teacher. So today we are going to do the continuing part of chapter number 1, Super Senses of NCERT book. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया है, पेज नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सुपर सेंसेस के बारे में, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. दीज आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग, ठीक है, स्किन, ये सब हमारे सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं. और इसी तरह से एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो जो एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देखो हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये ईगल वगैरह किस तरह से खाना उठा के ले जाती हैं, तो इनको सबको कैसे पता चलता है कि यहाँ खाना पड़ा हुआ है, या आंट्स को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर मीठा पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे लेके जाना है. कुछ हमने इस तरह से क्वेश्चंस किए थे कि आंट्स को कैसे पता चलता है, कौन सी आंट सबसे पहले निकलती है और कौन सी आंट सबसे पहले जाती है. तो ये सब चीजें हमने ऑब्जर्व, कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व भी की थी कि आंट्स जो होती हैं वो कैसे मूव करती हैं. अगर हम लास्ट में, अगर कोई हम सेंटर में कोई पेंसिल रख दें या पेन रख दें, जब आंट्स की लाइन जा रही हो, बीच में अगर हम पेंसिल रख देते हैं, तो वहां से आंट सब किस तरह से मूव करके निकलती हैं, सीधे जाती हैं या टर्न करके निकलती हैं, या वो कैसे क्या करती हैं, वापस मुड़ जाती हैं. तो ये सब हमने ऑब्जर्व किया था. ठीक है, तो आगे हमने ये भी किया था कि जो मॉस्किटो होते हैं वो हमें किस तरह से, अपनी कौन सी सेंस ऑर्गन से वो पहचानते हैं कि हम यहाँ पर हैं. उनको कैसे रिकॉग्नाइज होता है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, या मतलब किस तरह से हमारा पता चलता है, या इंसेक्ट्स को अपने फीमेल इंसेक्ट्स के बारे में कैसे पता चलता है. ठीक है, ये सब हमने किया था. हमने ये भी देखा था कि आई लाइक द स्मेल ऑफ, किस तरह की स्मेल हमें पसंद है और किस तरह की स्मेल हमें पसंद नहीं है. तो ये सब भी हमने किया था इसके अंदर. आगे हमने और भी बहुत सारी इस तरह से चीजें की थी, जैसे कि अब एक, हाँ, एक रजनी का एग्जाम्पल लिया था कि एक लेडी है रजनी, वो अपनी सिस्टर सुशीला के घर पे अपने बेबी को छोड़ के जाती है, तो उससे क्या होता है. तो ये सब चीजें भी कि उसके हमने ऑब्जर्व किए थे कि वो किस तरह से अपने बेबी का, बेबी की नैपी साफ करती है, और कैसे दीपक की नैपी वो क्लीन करती है. ये सब चीजें भी हमने ऑब्जर्व की थी कि ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी, अपने बेटी की नैपी तो ऐसे ही खुश होके फटाफट क्लीन कर देती है, लेकिन जब दीपक की करनी होती है तो अपने मुंह के आगे कपड़ा रखती है या दुपट्टा रखती है. तो उसके बाद हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह के बर्ड्स, बर्ड्स की आईज होती हैं, आईज राइट पे होती हैं. कई कई बर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आउल है, आउल की जो आईज होती हैं वो राइट, सॉरी फ्रंट पे होती हैं, और जो दूसरे बर्ड्स होते हैं जैसे कि पिजन्स हो गए या स्पैरोज हो गई, उनकी जो आईज होती हैं राइट लेफ्ट होती हैं, और वो मूव बिल्कुल नहीं करती हैं, उनको अपने हेड को टर्न करना होता है राइट लेफ्ट. ठीक है, अब आगे क्या था, आगे हमने पढ़ा है लुकिंग विद बोथ और वन और बोथ आईज. तो वो जो अब हमने कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके अंदर था कि वो एक आई या एक आई से और दोनों आई से, इस तरह से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसमें. ठीक है, अब डू एनिमल्स सी कलर्स. तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डू एनिमल्स सी कलर्स. तो देखो इसमें क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे कलर्स नहीं देख सकते. इसमें क्या लिखा है, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. हम लोग जो एनिमल्स होते हैं, जितने हम कलर्स देख सकते हैं, इतने ही एनिमल्स कलर्स बिल्कुल नहीं देख सकते. तो आप ये देखो, आगे ना एक पिक्चर दे रखी है, तो इसके अंदर है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हर तरह के कलर्स नहीं देख सकते. तो अब इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम्स, तो जो कुछ ऐसे, ये भी बिलीव किया जाता है जो एनिमल्स डे टाइम में जागते हैं तो उनको कुछ कलर्स नजर आते हैं, और जो नाइट टाइम में जागते हैं उनको तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है. जैसे अब आउल है, आउल को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, या डॉग्स को किस तरह के कलर नजर आते हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उनको नजर आते हैं. अब अपनी बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी काफी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस तरह से. हाँ, तो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. शार्प ईयर. इन क्लास 4 यू रेड दैट वी कैन नॉट इजिली सी बर्ड्स ईयर्स. तो देखो हम बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं हम इजिली देख नहीं सकते. देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स. जो उनके जो ईयर्स होते हैं ना, उनके ऊपर फेदर्स आ जाते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो
तो एज सच हमें नजर ही नहीं आते उनकी ईयर्स है भी या नहीं है। अब आगे है द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। तो आप नेम बताइए कुछ ऐसे 10 एनिमल्स के जिनके ईयर्स आप देख सकते हो। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, 10 एनिमल्स के नेम्स बताने हैं। ठीक है, तो अब 10 एनिमल्स के नेम्स हमारे कौन कौन से हुए, जिस तरह से जैसे अब डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ईयर्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, अब काओ के ईयर्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, बफेलो के, हाँ, माउस के ईयर्स हमें नजर आते हैं। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि लायन, ठीक है, जैसे कि जीब्रा, ठीक है, और जैसे कि कैट, लेपर्ड, ठीक है, और जिराफ, तो इनके जो ईयर्स होते हैं हमें नजर आते हैं। तो नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। तो ऐसे ऐसे एनिमल्स के नेम्स बताओ जिनके ईयर्स जो होते हैं वो हमसे ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हमसे ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसे होते हैं जिस तरह से जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के ईयर्स हमसे काफी ज्यादा बड़े होते हैं। रैबिट है, ठीक है, जैसे कि काऊ है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स एनिमल्स ईयर्स और एंड देयर हियरिंग। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर अगर उनके एनिमल्स के कान जो हैं बड़े हैं तो उनको ज्यादा सुनाई देता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो आप एक बार सोचिए इस बारे में। तो नेक्स्ट है ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। आप एक शांत जगह अपने स्कूल में आप देखिए कहाँ पर होती है। वैसे तो मिलेगी नहीं बहुत मुश्किल से, जैसे लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी में मिल सकती है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि थोड़ा दूर पे वो खड़ा हो आपसे, एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली और धीरे से कुछ बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी लोग सब सुने उसको कि वो क्या कह रहा है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। तो आप सब लोग अपने कानों के पीछे यूं ऐसे करके ऐसे हाथ रख लो, एंड एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 8 पे। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। और फिर से उसको, बच्चे को बोलो, उस चाइल्ड को बोलो कि वो फिर से इतना ही सॉफ्टली बोले। इन विच केस एज वॉज द साउंड शार्पर। तो किस केस में साउंड जो होती है शार्पर होती है, विदाउट इस ऐसे हाथ रखे हुए या ऐसे हाथ रख के ज्यादा शार्प नजर आता है आपको। आस्क योर फ्रेंड्स टू। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलो इस तरह से करने के लिए। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। आप अपने हैंड्स रखो अपने ईयर्स पे और उसके बाद आवाज सुनने की कोशिश करो। अब सेकंड एक्टिविटी ये है कि सिट नियर अ डेस्क। एक डेस्क के पास में बैठो। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। और अपने हैंड से जोर से टैप करो अपने डेस्क पे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरह से आप अपना हेड रखो नीचे और उसके बाद फिर से आप अपने हैंड हैंड को टैप करो उस टेबल पे। लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। क्या कोई डिफरेंस नजर आता है आपको साउंड से। दिस इज हाउ द स्नेक स्नेक्स ईयर। इसी तरह से जो ये आवाज जो आई, आपने ऐसे ईयर रखा और जोर से ऐसे टैप किया, तो ये जो आवाज आई थी यानी वाइब्रेशंस के साथ में जो आवाज आई थी, इसी तरह से वाइब्रेशन से स्नेक को सुनाई देता है। एज सच स्नेक के जो ईयर्स होते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेशंस के थ्रू उसको सुनाई देता है। तो आगे लिखा है दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उसके इन एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, उसके कान नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस ही सुनता है ग्राउंड पे। साउंड सेंड मैसेजेस, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है। साउंड सेंड मैसेजेस हाई अप ऑन अ ट्री, मतलब
काफी ऊंचा ट्री पे अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स डेंजर्स लाइक अ टाइगर और अ लेपर्ड। जो लंगूर होता है काफी ऊपर चढ़ जाता है ट्री के ऊपर और उसके बाद बाकी एनिमल्स को डेंजर का बताता है जोर जोर से। उसकी अपनी एक वार्निंग कॉल होती है, मतलब एक आवाज होती है, एक वार्निंग कॉल होती है जिससे बाकी सब लोग अपना अपना दूर दूर भाग जाते हैं कि हाँ जी यहाँ पर टाइगर आने वाला है या लेपर्ड आने वाला है, यहाँ से भाग जाओ। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वॉर्न्स अबाउट द डेंजर। जो बर्ड्स होते हैं वो भी अलार्म कॉल देते हैं कि कोई डेंजर आ रहा है, कोई खतरा आ रहा है उसके लिए। ठीक है, तो बर्ड्स को भी पता होता है कि क्या डेंजर है और किस तरह से किसी को बताना है कि ये डेंजर आने वाला है, आप लोग अपना भाग जाओ वहां से। तो आगे है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई। तो एक डिफरेंट वार्निंग कॉल भी होती है बर्ड्स की कि अगर कोई स्काई से आ रहा है तो, और अगर नीचे से आ रहा है तो वो डिफरेंट वार्निंग कॉल होती है उनकी। तो फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो फिशेज होती हैं वो अलार्म का कॉल देती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, उनके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। देखो, जब एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जब कोई अर्थक्वेक आने वाला होता है या कोई स्टॉर्म आने वाली होती है, कोई इस तरह का डेंजर आने वाला होता है तो। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। और जो आसपास जो फॉरेस्ट वगैरह में जो लोग रहते हैं वो पहचान जाते हैं उनको देखकर, कि उन एनिमल्स के डिफरेंट बिहेवियर को देख के वो पहचान जाते हैं कि कुछ डेंजर आने वाला है, कुछ होने वाला है। तो आप देखिए ये ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, अभी हम इसमें पढ़ते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इन दिसंबर 2004 few tribes that live in the forest of Andaman island noticed the animals behaving in a different manner. तो 2004 में, दिसंबर में, तो अंडमान आइलैंड में कुछ एनिमल्स ने डिफरेंट तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था कि कुछ डेंजर आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे, और कुछ और वो जो थे वो मूव कर गए थे वहां से कुछ सेफर आइलैंड्स पे। सून आफ्टर द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी but these people were saved. तो जो एनिमल्स, आपने सुना था उस टाइम पे कि जो एनिमल्स थे वो वहां से मूव ऑन कर गए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, और कितनी बड़ी सुनामी आई थी उस टाइम पे, वहां से काफी लोग मरे थे लेकिन एनिमल्स जो थे बहुत कम मरे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि कुछ डेंजर आने वाला है, यहाँ से मूव ऑन हो जाओ। अब आगे पढ़ते हैं, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी वो कुछ डिफरेंट साउंड्स भेजती हैं मैसेजेस देने के लिए किसी और को, अदर्स को। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं इस चीज़ को कि काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं उनकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है। तो अब इसमें नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हैं, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स। क्या आप अंडरस्टैंड करते हो कि कौन से एनिमल्स की साउंड कैसी है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, आप जो अंडरस्टैंड कर सकते हो वो आपके पेट्स की पहचान जाते हो एनिमल्स की साउंड्स, कि वो कौन सा एनिमल है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, तो आप अपने पेट्स के बारे में बता सकते हो। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। क्या कुछ एनिमल्स आपकी लैंग्वेज को पहचान जाते हैं? तो हाँ जी, आपके एनिमल्स, आपके आपके जो पेट्स होते हैं वो आपकी लैंग्वेज को पहचान जाते हैं, या फिर आप बाहर के भी जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं आप उनको खाना देने आ रहे हो तो वो पहचान जाते हैं ये बंदा है, ये मुझे खाना देना चाह रहा है। या कोई कभी कैट्स भी पहचान जाती हैं, या फिर काऊ को भी पता चल जाता है कि भाई ये मुझे बुला रहा है, ये मुझे खाना दे रहा है। तो इस तरह से काफ़ी एनिमल्स भी आपकी आवाज़ को पहचान जाते हैं, आपको पहचान जाते हैं कि वो हमारे लिए क्या कह रहा है। से इट विथ साउंड्स। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. तो birds और dolphins की तरह आप भी you can also make your own language. आप भी अपनी language बना सकते हो messages देने के लिए. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. तो आप अपने friends के साथ आप ये game play कर सकते हो जिसके अंदर आपको अपने friend को sound से ही बिना बोले
साउंड से आप डम शार्ट्स खेलते हो, तो ये वही सेम चीज है जो वो कहना चाह रहे हैं। हाउ एंड वेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, तो कब और कैसे आपको अलार्म कॉल देनी है, इस तरह से आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, देखो आपकी टीचर आने वाली है क्लासरूम में, और आप कैसे अलार्म कॉल दोगे अपने फ्रेंड्स को कि मैम आने वाली है, जल्दी आ जाओ अंदर। स्लीपिंग वेकिंग, तो सम एनिमल्स गो इन टू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। तो देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर्स के टाइम पे डीप स्लीप पे चले जाते हैं, मतलब सोने चले जाते हैं, और कितने कितने टाइम तक वो नजर नहीं आते हैं। तो हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, तो आप देख सकते हो कि विंटर सीजन जब होता है आपको कोई भी लिजर्ड नजर नहीं आती है घर में, तो वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। देखो वो जमीन के नीचे चले जाते हैं या कुछ इस तरह से ऐसी जगहों पे छुप जाती हैं लिजर्ड्स, और वो विंटर सीजन में वो बाहर नहीं निकलती हैं, वो अपना डीप स्लीप पे चली जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। वैसे ये वर्ड यहाँ पर आपको नहीं समझाया गया है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको इन चीजों के बारे में भी पता चलेगा। तो आगे है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में है, इट लुक्स लाइक अ बियर, जो स्लॉथ होता है वो बियर की तरह ही नजर आता है, तो उसे हम स्लॉथ बोलते हैं। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। देखो ये बिल्कुल ये डिफरेंट सा एनिमल होता है, जो कि 17 आवर्स, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं जिसमें से 17 आवर्स वो सोता है, ठीक है, और वो हैंगिंग अप मतलब हैंग होके वहां पे सोता रहता है, वो उठता ही नहीं है वहां से। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स, और जो वहां उसको उसी ट्री के ऊपर जो उसको लीव्स नजर आती हैं उन्हीं को वो खाता है, और वहीं वापस वो सो जाता है। तो वो हार्डली मतलब आप समझ लो वो 40 ईयर्स, मतलब उसकी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन जो होता है उसका 40 ईयर्स का होता है, और 40 ईयर्स में वो मुश्किल से मतलब वो बहुत ही कम ट्रीज से इधर से उधर जाता है, करीब करीब ये 40 ईयर्स में 8 ट्रीज ही वो इधर से उधर घूमता है, और वो भी सिर्फ ट्री पे ही, वो जमीन पे तो आता ही नहीं है, ग्राउंड पे तो वो आता ही नहीं है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself, और हफ्ते में एक बार वो नीचे उतरते अपने आप को रिलीव करने के लिए बस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, अब इसमें ना कुछ स्लीपिंग टाइम्स वगैरह दे रखे हैं कि कौन सा एनिमल कितने टाइम तक वो सोता है। तो अब इसमें क्या है, गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दे रखा है। अब जैसे इसमें बताया उन्होंने कि काओ है वो कितनी देर तक सोती है, काओ सोती है अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स पूरे दिन में, और जो पाइथन होता है वो सोता है अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स, ओके। जो जिराफ होता है वो सोता है अप्रोक्स 2 आवर्स अ डे, और जो कैट होती है, कैट्स होती है 12 आवर्स, ठीक है। अब ये स्लीपिंग पैटर्न दिया हुआ है इन सब का। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, जब आप डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं कि आप, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, इस तरह की लिस्ट बनाओ आप 10 क्वेश्चंस की, कि जैसे कि ये कितनी देर सोते हैं, ये क्या खाते हैं, ये कैसे खाते हैं, इनको डाइजेस्ट कैसे होता है, इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हो 10 क्वेश्चंस की, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, द पेज नंबर 12। ओ माई गॉड, दिस इज अ टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं? फर्स्ट फैक्ट इज अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट, मतलब रात को जो टाइगर होता है, बेटा पंगा मत लेना बिल्कुल भी, जो टाइगर होता है रात के टाइम फॉरेस्ट में इतने अंधेरे में भी वो 6 टाइम्स बेटर, मतलब बहुत अच्छे से वो देख सकता है, जितना हम नहीं देख सकते, हमें तो अंधेरे में वैसे ही बहुत कम नजर आता है, टाइगर 6 टाइम्स ज्यादा देख सकता है हमसे, ठीक है। द टाइगर विस्कर्स, विस्कर्स किसे कहते हैं, टाइगर्स की, टाइगर की जो मूछें होती हैं उसको हम बोलते हैं टाइगर्स विस्कर्स, आर वेरी सेंसिटिव, उसके जो विस्कर्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर,
वो वाइब्रेशन से ही पहचान जाता है, उसको सेंस कर लेता है सब कुछ एयर में ही। दे हेल्प द टाइगर मूव इन डार्क, और ये जो विस्कर्स होती हैं यही उसको डार्क में, अंधेरे में मूव करने में हेल्प करती हैं। एंड फाइंड इट्स प्रे, और अपने प्रे को भी वो इसी विस्कर्स के थ्रू ही हेल्प मिलती है पकड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अ टाइगर सेंस सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड। मतलब जो उसके ईयर्स होते हैं वो इतने ज्यादा शार्प होते हैं, मतलब आईज तो शार्प है ही है, उसके ईयर्स भी इतने शार्प होते हैं कि उसकी अगर रसलिंग ऑफ लीव्स है, मतलब जो उसकी अगर हम चल रहे हैं फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हैं तो जो लीव्स की आवाज भी आएगी ना, या फिर एनिमल की साउंड जो होती है, जो ग्रास पे मूव कर रहा है उसकी आवाज भी वो पहचान जाता है कि हाँ जी यहाँ कोई है। द ईयर्स ऑफ टाइगर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो उसकी जैसे हमारी आई बॉल्स हिलती है ना, राइट लेफ्ट जा सकती हैं, इसी तरह से जो ईयर्स होते हैं उसके टाइगर के वो भी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। एंड हमारे तो नहीं हिलते ना, हमारे तो डायरेक्शंस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो टाइगर होता है उसकी डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, और इससे उसको मतलब हर तरह की साउंड, उसको उसके आसपास की जितनी भी साउंड्स हैं वो सब उसको पता चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब जो टाइगर होता है वो डिफरेंट साउंड साउंड उसकी उसकी जो साउंड्स होती है ना, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे कि जब वो एंग्री है तो उसकी साउंड अलग तरह की होगी, ठीक है, या फिर वो अपनी टाइग्रेस को बुला रहा है तो उसकी साउंड कुछ अलग होगी। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल, तो वो रोर भी करता है, वो कुछ भी कर सकता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर, मतलब इतनी ज्यादा ज्यादा उसकी दहाड़ने की आवाज होती है कि वो 3 किलोमीटर दूर तक टाइगर की आवाज सुनाई देती है, इतना तेज वो बोलता है। तो भाई साहब जरा बच के रहना टाइगर से, टाइगर की आवाज, टाइगर की जो सुनने की शक्ति है, उसकी जो लिसनिंग पावर हो गई, उसकी आईज हो गई, देखो भाई सब सब कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग है उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया, जो टाइगर होता है उसका अपना एक एरिया होता है। जैसे हमने पहले अभी देखा था इस चैप्टर में कि जो डॉग्स होते हैं वो भी अपना एक एरिया मार्क करते हैं, ठीक है, यूरिन से अपने, इसी तरह से जो टाइगर होते हैं वो भी अपना एरिया मार्क करते हैं, और काफी किलोमीटर दूर तक उसका एरिया काफी बड़ा होता है। द टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, सेम डॉग्स की तरह ही वो अपना एरिया यूरिन से मार्क करते हैं कि ये मेरा एरिया है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर, और जो टाइगर को उसी टाइम पे पता चल जाता है कि उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया, और जो टाइगर होता है एक टाइगर दूसरे एरिया में जाने के लिए अवॉइड ही करता है, क्योंकि इन दोनों की जो फाइट होती है ना बहुत जबरदस्त होती है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट हिल जाता है, वाइब्रेशंस होती हैं पूरे फॉरेस्ट के अंदर की, और इसकी उनकी जो रोर की है, जो आवाज होती है वो बहुत तेज होती है, तो इसलिए एक टाइगर दूसरे टाइगर से लड़ने के लिए थोड़ा बचता ही है। ठीक है, अब आगे है पेज नंबर 13 पे। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, जो टाइगर होता है सबसे ज्यादा मोस्ट अलर्ट एनिमल बोला गया है। एंड येट टूडे टाइगर्स आर इन डेंजर, मतलब उसकी उसकी आवाज, उसकी आईज, उसकी जो रोर करने की उसकी, मतलब हर चीज उसकी बहुत परफेक्ट है और बहुत तेज है, उसके बाद भी वो टाइगर्स आज के टाइम में बहुत डेंजर में है। ठीक है, वट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन जंगल, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी ट्रीट टू थ्रेट टू एनिमल्स हाउ। तो देखो इसके अंदर क्या है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एनिमल्स को परेशान करते हैं, इनकी वजह से भी जंगल में आज टाइगर्स की कमी है। ठीक है, डू यू नो दैट टूडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड, क्या आप जानते हो बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते हैं आज के टाइम में। एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सेल किए जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसोरस फॉर देयर हॉर्न्स, जो एलिफेंट्स होते हैं उनके उनके टस्क, उनके जो दांत होते हैं आपके दिखाए जाते हैं, दांत देखते हो वो अपने, वो उनके दांत की वजह से उनको मारा जाता है, राइनोसोरस उनके हॉर्न्स की वजह से। ठीक है, टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स उनकी स्किन की वजह से, उनकी स्किन से लेदर बनती है, ठीक है, उनकी स्किन की वजह से उनको मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम देयर मस्क,
मतलब जो मस्क डियर है उसे लिटिल मतलब एक थोड़ा सा सेंट बनाने के लिए उनको मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, और जो लोग उनको जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो उनको मारते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है हंटर्स या फिर पोचर्स। अब नेक्स्ट आगे अब ऑरेंज कलर के बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, तो बहुत सारे टाइगर्स और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम हो रहे हैं आज के टाइम में। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, और इतने ज्यादा डेंजर में है कि वो बहुत ही जल्दी वो खत्म हो जाएंगे यहाँ से। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया कवर किया हुआ है कि यहाँ से अंदर कोई भी नहीं जाएगा। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, और कुछ ऐसे हैं जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे उत्तराखंड में भी है फॉरेस्ट, और घाना में है इन भरतपुर, भरतपुर में घाना नाम की है, नाम का फॉरेस्ट है वहां पर भी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में। ठीक है, इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, ये एक लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन एरियाज में कोई भी नहीं जाएगा, और अगर गलती से जाएगा भी तो वहां पर किसी भी एनिमल के साथ कोई हंटिंग नहीं होगी, उनको मारा नहीं जाएगा, उनको कैच नहीं किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इसके लॉज बनाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया, देखो और भी बहुत सारे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क हैं उनको आप देखो। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, और आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उनके बारे में एक रिपोर्ट बनानी है। व्हाट वी हैव लर्न, देखो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग, तो कभी देखा है आपने कि कुछ सिंगर्स इस तरह से अपने हैंड्स अपने अपने रखते हैं अपने ईयर्स पे और सॉन्ग सिंग करते हैं। व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, वो क्यों करते हैं इस तरह से। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, तो कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम्स बताओ, ऐसे एग्जाम्पल्स बताओ जिनकी आपने जिनकी आइज बहुत अच्छी है, जिनकी हेयरिंग बहुत अच्छी है, जिनकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 14 पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, कुछ पेपर से आपको डॉग बनाना है, तो आप ये आप खुद ही करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप ये इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो। सो होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करोगे। सो थैंक यू सो मच।